हाय फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर सॉस बनाने वाली हूँ। हर कोई सोचता है कि टमाटर सॉस बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी इतनी इजी रेसिपी है, इसे आप घर पर ही जल्दी से बना सकते हैं। टमाटर सॉस के इंग्रेडिएंट्स जो है वो घर पर ही आसानी से हम लोगों को मिल जाएगी। आज मैं यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इनमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाली है मैं आपको बता दूँ। टमाटर सॉस बनाने में यहाँ मैं 1.5 kg टमाटर ली हूँ, बिल्कुल लाल टमाटर है, देखिए। यहाँ 1.5 बड़ी चम्मच चीनी ली हूँ मैं। मुझे थोड़ा सा मीठा करना है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आपको अगर तीखा बनाना है तो बस मिर्च ज़्यादा लेंगे। यहाँ 1.5 छोटी चम्मच नमक ली हूँ मैं, 1 बड़ी चम्मच बनेगर है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर है। सबसे पहले हम लोगों को टमाटर को अच्छी तरह से धोकर नेट में रख लेना है। देखिए, मैं टमाटर धोकर नेट में रख चुकी हूँ और इसे हम लोगों को यहाँ पर कट लगाना है हल्का सा, और इसे 1 गिलास पानी में 2 से 3 सीटी दिला लेनी है। आप चाहे तो इसे हांडी में भी बॉईल कर सकते हैं। कट लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि टमाटर के छिलके को हम लोग आसानी से निकाल कर फेंक दें। यहाँ 1 गिलास में टमाटर में पानी डाल चुकी हूँ और टमाटर को मैं बीच से कट कर दी हूँ, देखिए, ताकि जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए तो छिलका हम लोग इसका आसानी से निकल जाए। 2 से 3 सीटी मुझे दिलानी है। टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुका है, देखिए, बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। मैं सारा छिलका भी निकाल ली हूँ। आप चाहे तो छिलका समेत ही इसे ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन जब छानने का वक्त थोड़ी परेशानी होगी इसके लिए ही मैं छिलके को निकाल कर फेंक दी हूँ। और इसे हम लोगों को मिक्सर में ठंडा हो जाने के बाद इसे मैं मिक्सर में पीस कर अच्छे से छान लूँगी। जो बचा हुआ पेस्ट रहेगा उसे रखना है, ऊपर की बीज वगैरह को हम लोगों को फेंक देना है। टमाटर ठंडा हो चुका है, मैं टमाटर का पेस्ट बना चुकी हूँ। इस तरह से हम लोगों को टमाटर का पेस्ट बना लेना है और इस छन्नी में डालकर, देखिए, मैं छान कर अच्छे से निकाल ली हूँ। बीज को हम लोगों को फेंक देना है। बचा हुआ जो पेस्ट है इसी तरह मैं नेट में डालूँगी और डालकर चम्मच से छान कर निकाल लूँगी। बचा हुआ पेस्ट मैं डाल दी हूँ नेट में। इसे अच्छे से हम लोगों को छान लेना है। टमाटर के बीज को फेंक देना है, प्यूरी को हम लोगों को रख लेना है। पेस्ट बनकर टमाटर सॉस का बिल्कुल तैयार है, देखिए, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब बनाने का तरीका मैं बताऊंगी आपको। यहाँ मैं मोटी पेंदी वाली हांडी चढ़ा चुकी हूँ। इसमें मैं पेस्ट को डाल दी हूँ, टमाटर के पेस्ट को डाल दी हूँ। इसे अच्छे से हम लोगों को सुखाना है, इस तरह से इसे अच्छे से हम लोगों को पका लेना है। यहाँ पर मैं ज़रा सा फूड कलर यूज़ करूँगी ताकि बाज़ार के जैसा बिल्कुल कलर आ जाए, टमाटर सॉस बिल्कुल अच्छा सा दिखेगा। देखिए कितना अच्छा कलर, बिल्कुल ओरिजिनल कलर लग रहा है। इसे हम लोगों को हाई फ्लेम पे ही पकाना है, इस तरह से चला चला कर चलाते रहना है।
फ्लेम कम की हूँ। इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, डाल दी हूँ मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। फिर गरम मसाला मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से चला लूँगी। ये अच्छे से मिल चुका है, अब मैं फ्लेम को हाई करके इसे सुखाऊंगी। फ्लेम को मैं कम करके रखी हूँ, इस यहाँ पर मैं चीनी डालूँगी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। कम रखी हूँ, इसमें नमक डाल दूँगी और इसे अच्छे से चला लूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें विनेगर भी डाल दूँगी और इसे अच्छे से स्लो फ्लेम पे ही 2 से 4 मिनट हम लोगों को और इसे पकानी है। हम लोगों का टमाटर सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम लोगों को देखना है कि हम लोगों का सॉस बनकर रेडी है या नहीं। यहाँ मैं एक बर्तन में डाली हूँ, एक प्लेट में, और इस तरह से हम लोगों को, अगर ये जल्दी से गिर जाता तो अभी हम लोगों का तैयार नहीं हुआ ये समझ में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का देखिए बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार है। इसे आप समोसे के साथ, पास्ता के साथ, बहुत सारी चीज़ों में इसे आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन देने में, चिकन वगैरह गोश्त बनाते हैं घर में, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाज़ार से बहुत सस्ता भी पड़ता है ये घर में बनाने से, जल्दी से बन भी जाती है। देखिए बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। यहाँ मेरे टमाटर सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म समोसे, पकौड़े, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। प्लीज़ इसे आप ज़रूर बनाएं और बताएं ये कैसी बनी है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।